हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय माता जी ऑल ऑफ यू। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। मिस यू ऑल बच्चों। लगातार लास्ट 2 महीने से हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जूम एप्लीकेशन और यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स समझे हुए हैं। अब बच्चों, लगातार स्टडी करने के बाद अगर वो स्टडी को इवेल्युएट ना किया जाए तो हमारा जो स्टडी का पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता है। तो अब बच्चों, जो आपने स्टडी किया है, एग्जाम अभी आई नहीं है, तब तक आपका वर्क परफेक्ट वे पे आगे बढ़े, इसलिए बच्चों हमने ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट की है। तो अब बच्चों, आज हम पहला ऑनलाइन टेस्ट आपका लेने जा रहे हैं टैक्सेशन सब्जेक्ट का, जिसके अंदर आपको टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑनलाइन टेस्ट एमसीक्यू पैटर्न की होगी, जिसके अंदर आपको एक लिंक, ये यूट्यूब लेक्चर पूरा होने के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा विद इन 15 सेकेंड, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी एक ऑप्शन टिकिंग आउट करना है। ये पूरा टेस्ट ऑनलाइन होगा बच्चों। सारे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको जो भी ऑनलाइन मार्कशीट है रिस्पॉन्स समझ के उसको सबमिट करवानी है। आफ्टर सबमिटिंग रिस्पॉन्स शीट आपको विद इन अ वन डे यानी नेक्स्ट डे इवनिंग तक हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करके आपके फादर के व्हाट्सएप, आपके फादर के मोबाइल नंबर पे भेजेंगे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आंसर भेज देंगे, ठीक है, जिससे आपको पता चले आपके कितने मार्क्स आए और आपका मार्क्स के अंदर कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं। अब बच्चों, जो टेस्ट हम लेने वाले हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने सारे टॉपिक यूट्यूब चैनल पे और क्लास में भी स्टडी की हुए हैं, पर अब बच्चों आपको थोड़ा और अच्छी तरह समझ आए इसके ओवरऑल मैं आपको जो 3 टॉपिक हम टेस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं उसका आपको व्यू देने जा रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक बच्चों हम लेने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस। अब हमें पता होगा जो हम टैक्सेशन सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं बच्चों, वो रिलेटेड है एक पर्सन या एसएससी की टोटल इनकम, उसके ऊपर टैक्स कैसे गिना जाता है, उससे जुड़ा आपको टॉपिक सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करने होते हैं। टोटल इनकम के 5 हेड है, जिसमें से आपने ऑलरेडी 2 हेड सेमेस्टर 3 में स्टडी कर लिए हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, 2nd हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और बाकी बचे हुए 3 हेड बच्चों जो हमें स्टडी करने हैं सेमेस्टर 4 में, जिसमें पहला हेड है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। अब आप पता होगा बच्चों, कोई भी बिजनेसमैन है जो वो बिजनेस अर्न करता है तो उसका मेन टारगेट होता है प्रॉफिट अर्न करना, और कोई प्रोफेशनल हो बच्चों, जैसे कोई डॉक्टर या टीचर है तो भी अर्निंग करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, कमाता है। अब बच्चों, जब भी बिजनेसमैन या प्रोफेशंस पर्सन अर्निंग करता है तो उसका मेन टारगेट होता है टैक्स को बचाना। तो पूरे टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया था कि बिजनेसमैन द्वारा या प्रोफेशनल पर्सन द्वारा बहुत सारे एक्सपेंडिचर और इनकम इलीगली जो रिलेटेड नहीं है बिजनेस से वो लिखे जाते हैं। तो पूरे टॉपिक के अंदर आपने काम क्या किया था, जो भी इनएडमिसिबल या नॉट एडमिसिबल नॉट डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर और इनकम है वो आपको इन्फॉर्मेशन में से हटा देने हैं और लीगल इनकम और एक्सपेंडिचर के आधार पे बिजनेसमैन का एसएससी का टैक्सेबल इनकम फाइंड करना है। तो पूरे टॉपिक के अंदर आपको मेन याद रखना है नॉट एडमिसिबल एक्सपेंसेस, नॉट एडमिसिबल इनकम, एडमिसिबल एक्सपेंसेस, एडमिसिबल इनकम। अब ये दोनों बच्चों आपको याद रखना है, कौन कौन से खर्चे डिडक्ट में लेस नहीं मिलते हैं वो खास आपको याद रखना है। जैसे कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर है, जैसे डॉक्टर मैरिज के लिए कोई खर्चा किया हो बच्चों, पर्सनल व्हीकल परचेस किया हो, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट किया हो, दैट इज कॉल्ड इनएडमिसिबल नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। उसके जगह कोई भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर की हो, जैसे जर्नलिज्म में ले गए, कोई बैड डेट रिजर्व में ले गए, कोई प्रोविजन की, दीज ऑल आर कॉल्ड नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर, कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन और कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी ऐसा खर्च जिसका पीरियड 1 साल से ज्यादा समय का हो, इस प्रकार का कोई भी खर्च, जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा 2 लाख रुपए का, तो इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। वैसे ही बच्चों, इनकम के अंदर कोई अदर एड की इनकम है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, इट इज नॉट इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस।
कोई पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट हो, कोई बैंक इंटरेस्ट हो बच्चों, ऐसी इनकम या खर्च जो रिलेटेड ना हो तो वो आपको वर्किंग में से निकाल के लीगल एक्सपेंडिचर और इनकम फाइंड करनी है। ये हुआ ओवरव्यू ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस फर्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड टॉपिक ऑफ टैक्सेशन, कैपिटल गेन। ऑलरेडी बच्चों आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है और उसका हमने वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब पे समझा हुआ है। अब बच्चों सबसे पहले कैपिटल गेन में इंपॉर्टेंट वर्ड है कैपिटल असेट्स। द असेट्स व्हिच इज हेल्ड बाय एसएससी रिलेटेड विद बिजनेस और नॉट रिलेटेड विद बिजनेस, मूवेबल इमूवेबल फिक्स्ड सर्कुलेटिंग, दिस ऑल टाइप ऑफ असेट्स टेकन बाय एसएससी इज नोन एज कैपिटल असेट्स। यानी एसएससी ने बच्चों अपने पास रखी हुई बिजनेस से रिलेटेड हो ना रिलेटेड हो, फिक्स हो मूविंग हो सर्कुलेटिंग हो, ऐसी कोई भी एसेट्स एसएससी के पास हो तो उसे कैपिटल एसेट्स बोला जाता है। जैसे ज्वेलरी, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। अब बच्चों मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन टॉपिक का जो मीनिंग है, टॉपिक का जो हेडिंग है उसका मीनिंग समझेंगे। एनी कैपिटल असेट्स सोल्ड बाय एसएससी एंड अराइजिंग अ प्रॉफिट then it is called capital gain। इस प्रकार की कोई भी capital assets sell करने से जो profit arise होता है उसे capital gain कहा जाता है। अब ये capital gain के बच्चों दो प्रकार है, long term capital gain, short term capital gain। तो जब बच्चों long term capital gain meaning समझते हैं, जब SSC द्वारा कोई भी asset 36 months से ज्यादा समय अपने पास रखी हुई हो तो उसे कहा जाता है long term capital gain। When SSC held any assets more than 36 months and then sell the assets, then it is known as long-term capital gain। इसके लिए 3 साल या 36 महीने very important period। Second है short-term capital gain। Any assets which is not held by SSC for not more than 36 months, then it is known as short-term capital gain। अगर कोई एसएससी ने असेट्स 36 महीने से कम समय अपने पास रखी हो और बच्चों उसे सेल किया जाए तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। तो पूरे टॉपिक के अंदर आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अंतर करना है, जिसके अंदर एसएससी ने असेट्स बेची होगी, असेट्स का कॉस्ट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है और उसके बाद टैक्सेबल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन फाइंड करना है। जो फाइंड करते समय बच्चों बहुत सारे डिडक्शन है जिसके कारण टैक्स बच जाता है। जैसे अंडर सेक्शन 54 है जिसमें आपने हाउस प्रॉपर्टी सेल की और इन्वेस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी में किया हो, 54F है जिसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी के सिवा की कोई भी एसेट बेच और हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो, उसके बाद बच्चों अंडर सेक्शन 54EC है जिसके अंदर आपने NHAI या RECL के अंदर इन्वेस्ट किया हो। ऐसे बहुत सारे अंडर सेक्शन है जिसका आपको स्टडी करना है। तो ओवरऑल कैपिटल गेन के अंदर से मीनिंग्स और इस प्रकार के छोटे छोटे वर्ड्स के MCQs हमने टेस्ट में रखे हुए हैं। तो बच्चों थर्ड टॉपिक जिसके MCQs हमने टेस्ट के अंदर ऐड किए हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट हेड है बच्चों। टोटल इनकम के जो 5 हेड्स है उसमें जो 4 हेड्स के अंदर आइटम इंक्लूड नहीं होती वो सारी आइटम इंक्लूड की जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जिसके अंदर मेनली बच्चों 2 प्रकार की इनकम खास ली जाती है, एक इंटरेस्ट इनकम और सेकंड कैजुअल इनकम। कोई भी जगह बच्चों आपने शेयर बाजार में मार्केट में कहीं भी शेयर इन्वेस्ट किया हो, बैंक इंटरेस्ट रिसीव किया हो, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रिसीव किया हो, तो इंटरेस्ट से जुड़ी हुई कोई भी इनकम बच्चों वो इंक्लूड की जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके बाद बच्चों कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम के अंदर लॉटरी इनकम, हॉर्स रेसेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, ऐसी कोई गेमिंग जोन के अंदर या अचानक आपने इनकम जनरेट की हो तो कैजुअल इनकम को ऐड किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके सिवा बच्चों कोई डिविडेंड से जुड़ी हुई इनकम हो, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड, इंडियन कंपनी का डिविडेंड, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और ये हेड के अंदर सारी इनकम ऐड करने के बाद टोटल 5 हेड का टोटल किया जाता है, जिसमें से एक्सपेंडिचर डिडक्ट करने के बाद आपको पर्सन का नेट टैक्सेबल इनकम फाइंड करना है। तो मेन ये 3 इनकम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करनी है। अब बच्चों ये तीनों टॉपिक प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन, उसकी मटेरियल कॉपी में हमने सारे यूनिवर्सिटी MCQ और ध्यान कॉमर्स के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाले MCQ डाले हुए हैं। ये सारा MCQ रीड करके आपको टेस्ट देना है विद इन अ 15 सेकंड। मैं एक लिंक WhatsApp ग्रुप में डालूंगा, वो लिंक आपको ओपन करनी है और उसमें से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे जो आपको रिस्पॉन्स के साथ सबमिट करवाना है और विद इन अ 1 डे उसका हम रिजल्ट आपको डिक्लेयर करके SMS पे सेंड करेंगे और WhatsApp ग्रुप में आंसर की भी डाल देंगे। ओके, अब ये पूरा आंसर बच्चों आप लोग पूरी ईमानदारी से लिखोगे,
कि आप घर पे टेस्ट दे रहे हो, हम लोग आपके सामने है नहीं, इसका सुपरविजन हो नहीं सकता, तो आपको पूरी ईमानदारी दिखाना है। दिस इज योर सेल्फ इवेल्यूएशन, तो खास ध्यान रखना है कोई कॉपी ना हो, किसी को हेल्प ना लेनी पड़े। हाँ, आपको मदद लेनी हो तो साथ में ब्लॉक पेपर, कैलकुलेटर और पेन रख सकते हो, जिससे कोई कैलकुलेशन करना हो तो आप आसान से कर सको। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट सबको, अच्छी तरह टेस्ट देनी है, बेस्ट लक एंड जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।